.NET classes, your selection, our ambition. जी हाँ, अब आपका selection हमारा लक्ष्य. तो आज ही सब्सक्राइब करें .NET classes को एवं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए घंटी के निशान को अवश्य दबाएं. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू .NET classes. .NET classes में आपका एक बार फिर से स्वागत है. आज फिर हम एक और मेमोरी टेस्ट लेके आए हैं. बाकी चार मेमोरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है. लास्ट मेमोरी बची हुई जिसका नाम है हाउस मेमोरी, ठीक है, घर वाली मेमोरी. इससे पहले चार मेमोरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, बस पांच ही मेमोरी होती है. टोटल पांच होती है और ये पांचवे नंबर की मेमोरी है, ठीक है. इन किसी पांच में से कोई भी एक मेमोरी आपको पेपर में आने वाली है, ठीक है. तो फ्रेंड, कैसा लग रहा है आप लोगों को .NET क्लासेस में पढ़ के, कमेंट्स करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है. तो ये जो मेमोरी है इसके बारे में हम लोग देखते हैं. ये होती है हाउस मेमोरी. क्वेश्चन ये रहता है इसका, इसके अंदर आपको पैटर्न बता देता हूँ सबसे पहले मैं कि पैटर्न क्या है. पैटर्न इसमें ये है, सेट रहेंगे आपके दो, ठीक है. एक सेट में आएंगे आपके 12 क्वेश्चन, एक सेट में 12 क्वेश्चन आएंगे. 12 क्वेश्चन रहेंगे, टाइम रहेगा आपका 2 मिनट. एक सेट के लिए 2 मिनट टाइम रहेगा देखने के लिए, ठीक है. क्वेश्चन को देखने के लिए 2 मिनट का टाइम रहेगा, आंसर देने के लिए आपको 2 मिनट का टाइम रहेगा, ठीक है. ये क्वेश्चन को आपको देखना है 2 मिनट. इन घर की पोजीशन याद रखना है, क्या करना है वो अभी आपको बताऊंगा, ठीक है. इसके बाद आंसर देने के लिए आपको ये वाला डायग्राम दिखाया जाएगा. सेम क्वेश्चन के लिए सेम डायग्राम दिखाया जाएगा आंसर देने के लिए, ठीक है. तो आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ. वैसे कोई ट्रिक नहीं होती है, बस कुछ टिप्स हैं तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है. तो आपको कैसे क्या करना है इन क्वेश्चनों में. 2 मिनट का टाइम काफ़ी होता है, मगर इसको याद रखने के लिए आपको 12 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है. एक सेट में 12 क्वेश्चन रहते हैं और बिल्कुल सेम दिखते हैं, ठीक है. जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये घरों में ये बिल्कुल सेम रहते हैं. कुछ यहाँ पर तो डायग्राम बनाने में बिल्कुल थोड़ा बहुत अंतर दिख ही रहा होगा आप लोगों को, मगर जब आप पेपर में देखेंगे, बुक्स वगैरह में देखेंगे, तो बिल्कुल सेम सेम घर रहते हैं, ठीक है. थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस उसी डिफरेंस को यदि आपने पकड़ लिया तो आपसे 12 क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएंगे. मेमोरी टेस्ट का मतलब ही यही होता है कि आपको क्वेश्चन को याद कैसे रखते हैं, ठीक है. 2 मिनट के अंदर इतने कम टाइम में आप 12 क्वेश्चन को कैसे याद रख पाते हैं, वही मेमोरी का नाम है, इसलिए इसको मेमोरी टेस्ट नाम दिया गया है, ठीक है. तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे याद रखना है, कैसे आप 2 मिनट में पूरे एग्जैक्ट बिल्कुल सही क्वेश्चन कर पाएंगे 2 मिनट से भी कम टाइम में यदि आपने इसको फॉलो करा तो, ठीक है. जैसे आप ये देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है. क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बहुत सारे घर दिख रहे हैं, ये 12 घर है, ठीक है. 12 ही आएंगे एक सेट में, ठीक है. उसके बाद आंसर देने के लिए भी आपको 12 ही क्वेश्चन मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है. तो जैसे आप ये घर देख रहे हैं, ये घर जो है, ये घर को देखते टाइम गलती बच्चे यही कर देते हैं कि एक घर को ही देखने लगते हैं, स्टार्टिंग एक घर को देखने ही लगते हैं और एक घर को ही बिल्कुल याद रखने लगते हैं दिमाग में. अगर आपको एक ही घर को नहीं देखना है, उसको आजू बाजू वाले एक दो घर को कुछ सेकंड में और देख लें, तो उससे कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई इससे मैं क्या कंपैरिजन कर सकता हूँ, कैसे इसको याद रख सकता हूँ. सपोज आपने देखा ये घर को, इसके बाजू में गए तो आपको यही एक कंपैरिजन मिल गया कि ये जो है इसका आधा छत है, ठीक है, इसका पूरा फुल भरा हुआ है, ठीक है. तो यहीं से आपको एक और एक कंपैरिजन मिल जाता है. फिर आप तीसरे घर पर आते हैं तो तीसरे घर पर आपने आके देखा कि यहाँ पर तो छत ही नहीं है, तो तीसरा कंपैरिजन यहाँ से मिल गया आपको. फिर और आगे बढ़ेंगे आप, ये चौथा घर, इस पर भी छत नहीं है, मगर इस पर भी छत नहीं थी, तो आपको याद रखना है दो छत बिना छत वाले घर हैं. बिना छत वाले घर में एक में लेफ्ट में विंडो दिख रही है, एक में राइट में दिख रही है. तो राइट वाले घर में राइट में विंडो, लेफ्ट वाले में लेफ्ट में, ठीक है. बीच में सेंटर में आते हैं, सेंटर में आप देख रहे हैं कि सेंटर वाले की छत जो है वो बीच में सेंटर खाली है इसका, ठीक है. आजू बाजू से भरी हुई है, बीच का सेंटर इसका खाली है. इसके बाजू में आएंगे, इसके बाजू में आके देखेंगे आप कि ये घर भी बिना छत का है, बिना छत का है, मगर इससे इसके कुछ डिफरेंस होगा. तो आपने देखा कि यहाँ पर एक दरवाजा लगा हुआ है, यहाँ पर भी दरवाजा लगा हुआ है, मगर यहाँ पर कोई दरवाजा नहीं है. तो ये जो सेंटर वाले के बाजू में घर है ये बिल्कुल खाली है, टोटल खाली घर है. अब इसके साइड में आते हैं अपन, यहाँ पर ये कुछ अजीब टाइप का घर बना हुआ है. इसके नीचे भी ये उसी प्रकार का घर है, बस इन दोनों में अंतर ये है कि इसकी छत है और इस पर कोई छत नहीं है, ठीक है. यहाँ देखते हैं, यहाँ इसकी नीचे वाली छत जो है वो आधी भरी हुई है, ठीक है. नीचे वाली छत आधी भरी हुई है, मगर एक क्वेश्चन और था जिसमें आधी छत थी, वो क्वेश्चन ऊपर है. ऊपर वाले में ऊपर की छत भरी हुई है, नीचे वाले में नीचे की छत भरी हुई है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ये दो घर भी बिल्कुल सेम दिख रहा है, मगर इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा.
वो डिफरेंस को ही पकड़ना है आपको, क्वेश्चन में सेम घर देना ही नहीं, कंफ्यूज करना नहीं है। क्वेश्चन देने का मतलब ये है कि इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस देख के आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे जिसमें देख रहे हैं अभी चिमनी इस साइड निकली हुई है लेफ्ट में, ये राइट वाले में राइट साइड निकली हुई चिमनी, तो इसको भी आसानी से याद रख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में लेफ्ट चिमनी, राइट साइड में राइट चिमनी, ठीक है। और ये एक घर जो है वो बिल्कुल कॉर्नर में बना हुआ है जिसमें एक गोला बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, मगर एक चीज ध्यान रखिए, 2 मिनट का टाइम काफी होता है, ये 12 ही क्वेश्चन है सर। अगर आपने अंतर आसानी से देख लिया तो एक बार इसको रिवाइज करें, ठीक है। यदि आपने रिवाइज कर लिया तो बहुत ज्यादा अच्छे से आपको याद रहेगा। ये घर देखा था हाफ छत है, ऊपर वाले में, नीचे वाले में, इधर कॉर्नर में हाफ छत है नीचे साइड में। ये घर देखा था इसमें फुल छत, पूरी छत भरी हुई है, ये खाली था, मगर इसमें राइट में विंडो है, इसमें लेफ्ट में विंडो है। फिर सेंटर में आए थे आप, सेंटर में आने के बाद देखा था सेंटर की छत खाली है, इसके बाद इसके बाजू वाला पूरा खाली था। फिर ये कुछ अजीब टाइप के घर थे, यहाँ पर इसमें छत थी, यहाँ पर इसमें कोई छत नहीं है, ठीक है। फिर आपने ये देखा इसकी नीचे की छत थी, पहले ही देख लिया है। ये चिमनी वाले क्वेश्चन में देखा है आपने कि चिमनी में इसमें लेफ्ट में चिमनी है, इसमें राइट में चिमनी है, ठीक है। और ये कॉर्नर वाला बिल्कुल गोला बना हुआ है इसके अंदर, इसके जैसा कोई घर नहीं है, बिल्कुल ही अलग घर है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये 2 मिनट खत्म हो गए आपके, अब 2 मिनट के बाद आपको ये चार्ट दिखेगा, ठीक है। और उसके साथ ये इस टाइप से क्वेश्चन लिखे रहे, तो इसमें कुछ आप देख रहे हैं ए बी सी डी ई लिखी हुई है, क्योंकि आपको क्या आएगा ए बी सी डी ई, 5 ऑप्शन रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ए बी सी डी ई लिखी हुई है कि आपका आंसर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो इसी प्रकार आपको क्वेश्चन दिखेगा वहाँ पर, और ये आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये पैटर्न है उसका, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, जैसे कि ये घर बना हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये घर बना हुआ है। अब आपको इस चार्ट में देख के ये बताना है कि ये घर किस पोजीशन पे बना था, ठीक है। तो आपने याद करा था बहुत अच्छे से कि ये जो गोले वाला घर है ये बिल्कुल कॉर्नर में था, उस साइड, तो उस साइड कॉर्नर में क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। ये चिमनी वाला घर दिख रहा है आपको, ये चिमनी निकली हुई है और लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में चिमनी कहाँ थी, यहाँ थी, तो आपने ये लेफ्ट साइड में चिमनी यहाँ लगा दी, ये क्या हो गया इसका, बी हो गया। थर्ड देख रहे हैं आप, थर्ड में क्या है, ये अजीब टाइप का घर था, अजीब टाइप का घर जो था उसमें छत थी, तो ये छत जो है यहाँ दिख रही है आपको, ये वाला घर है, तो ये वाला घर इसमें बना हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। ये घर देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल खाली है, इसमें दरवाजा भी नहीं, खिड़की भी नहीं, बिल्कुल खाली, तो ये इसके बाजू में बना था, इसके बाजू में क्या है यहाँ पर, डी, ठीक है। इसी प्रकार आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर देने, बिल्कुल सिंपल, 12 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, सिंपल है, मगर उसको एक ट्रिक से यदि याद रखोगे तो सिंपल है, नहीं तो याद नहीं रहते हैं, कई बच्चों को याद ही नहीं रह पाते हैं। 5वां क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन में देखा आपने छत नीचे साइड, नीचे साइड वाले में नीचे बनी हुई थी, नीचे क्या है, डी है, ठीक है। 6वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन में ऊपर साइड छत बनी हुई, ये दिख रही है ऊपर साइड छत, ऊपर साइड छत आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में याद रखी थी, जिसका आंसर है ए, ठीक है। तो इसी प्रकार ये आपके 6 क्वेश्चन हो गए, मगर क्वेश्चन टोटल कितने आने वाले हैं, 12 क्वेश्चन आएंगे, 12 क्वेश्चन आएंगे आपको, टाइम मिलेगा कितना, 2 मिनट, 2 मिनट देखने का, 2 मिनट आंसर लगाने का, ठीक है। और कितने सेट आएंगे, 2 सेट आएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 2 सेट आएंगे। 5 मेमोरी आप देख चुके हैं, 5 मेमोरी जो देख चुके हैं उसमें से कोई भी आपको एक मेमोरी आएगी पेपर में, 5ों मेमोरी नहीं आएगी, एक मेमोरी आएगी, सबका पैटर्न अलग अलग है, कितने किसमें क्वेश्चन आते हैं, ट्रेक मेमोरी है, नंबर मेमोरी है, फिगर मेमोरी है, सभी मेमोरी आपको बता दी गई है, उसमें से किस किस क्वेश्चन में से किस किस पैटर्न से पूछा जाता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सभी चीज़ आपको बता दी गई। तो ये थी हाउस मेमोरी आपको, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक मेमोरी आएगी, टेंशन नहीं है कि सारी मेमोरी, एक मेमोरी आएगी और वो भी बहुत सिंपल आएगी, ठीक है। तो आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है और आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है पढ़ के .NET क्लासेस के साथ, कमेंट्स करके बताएं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। इसके अलावा टाइको की क्लास ख़त्म होगी, उसके बाद आपकी नॉन टेक्निकल की क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग स्टार्टिंग से बैच को अटेंड कर पाएँ और पूरे वीडियो स्टार्टिंग से देख पाएँ, ठीक है।